तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तमाम जानकारी दे रहे थे जिस तरह से वैन को लूटा गया था, कैश वैन थी, और ये भी डीएम अवस्थी ये भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि 20 लाख रुपए की सर्चिंग के लिए तलाशी अभियान लगातार जारी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। गरियाबंद में अपने को लाभ पहुंचाने के लिए जिम्मेदारों ने पहले तो जिंदा लोगों को मुर्दा बता दिया, उसके बाद पीड़ित खुद को जिंदा साबित करने के लिए मंत्री के सामने जाने लगा तो जिम्मेदारों ने अपने काले करतूतों की कलाई खोलने के डर से उसे रोक दिया और मुर्दा बताया गया व्यक्ति अब खुद को जिंदा साबित करने के लिए किसी चमत्कार का इंतजार कर रहा है। सुपेबेड़ा गांव में किडनी की बीमारी से जूझ रहे तीन साल से भी ज्यादा का वक्त गुजर गया लेकिन स्थिति नहीं सुधरी, जिसके चलते प्रशासन अब कटघरे में खड़ा नजर आ रहा है। अक्टूबर 2016 में जो ग्राम सभा द्वारा उनको पात्र किया गया है मुंझर को, लेकिन सचिव द्वारा जो सूची दी गई है उसमें उसको मृत बताया गया है। तत्समय में तत्कालीन सचिव द्वारा जांच के लिए उनको निलंबित कर दी गई है, वर्तमान को निलंबित है सर। और अंकुर का ग्राम सभा ने पात्र कर दिया है लेकिन सचिव के द्वारा जो सूची दिया गया है उसमें मृत बताया गया है। ये दोनों कारण से सचिव को जो है निलंबित कर दिया गया है।